सो फाइनली गाइस जो अपनी बाइक थी वो पूरी रैप हो गई है और हमने इस गाड़ी को व्हाइट कलर के अंदर रैप करा है, जिसके अंदर हमने पर्पल की और क्रोम की ग्राफिक्स करी है। क्रोम की ग्राफिक्स अभी तक हमने किसी बाइक में नहीं करी थी, ये रोल हमारे पास अभी आया था, तो हमने प्लान करा क्यों ना इसके अंदर भी ग्राफिक्स करी जाए। और ये कस्टमर का प्लान था कि भैया इसके अंदर क्रोम यूज कर दो गाड़ी पे, तो थोड़ी सी क्रोम के अंदर चाहिए और व्हाइट के साथ क्रोम बहुत अच्छा लगता है। लग्जरी गाड़ियों के अंदर भी व्हाइट के साथ क्रोम आता है कई जगहों पर। और जैसे हमने यहाँ पर ग्रे कलर के अंदर 125 लिखा है और फुल बॉडी रैप करने के बाद हमने यहाँ पर NS125 लिखा है। और ये वाला पार्ट हमने कार्बन फाइबर के अंदर करा है गाड़ी का। और यहाँ पर अपना A1 ग्राफिक्स का लोगो जो हम हर बाइक के ऊपर लगाते ही है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स, वो आप इसको एंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो और आप देख रहे हो
और ये वाला पार्ट हमने कार्बन फाइबर के अंदर करा है गाड़ी का, और यहाँ पर अपना A1 ग्राफिक्स का लोगो जो हम हर बाइक के ऊपर लगाते ही है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स, वो आप इसको एंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये बाइक कैसी लगी।